देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं वोट डालने आया हूँ और मैं जिस अभियान को चला रहा हूँ इंदौर में, नकारात्मकता का माहौल बीजेपी ने क्रिएट किया है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ, जो भी अपनी बाहुबलगिरी दिखाने के लिए जो भी किया गया, अब मेरे पास तो एक ही साधन है कि जो नकारात्मकता का वातावरण है, ऐसे बाहुबलियों को निर्वाचन आयोग ने एक बटन दिया है नोटा का, तो मैं सोचता हूँ कि इंदौर के लोगों को अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को जीवित रखना चाहिए और नोटा को उसका बटन दबा के ये बता देना चाहिए कि बाहुबली तुम नहीं हो, बाहुबली इंदौर की जनता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ईवीएम में कांग्रेस का निशान नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो घटनाक्रम हुआ है, पूरा देश और पूरी दुनिया ने इस घटनाक्रम को देखा है कि किस तरह कांग्रेस को उम्मीदवार की चोरी करके डरा धमके के जो भी मान ले भाजपाइयों ने जो कृत्य किया है, पूरे देश और दुनिया ने थू थू की है कि ये सच्चा लोकतंत्र की दुहाई भारत के लोग देते हैं, पर ये सच्चा लोकतंत्र देखने को नहीं मिल रहा है। एक अकेला भारत देश ने नहीं, इस घटना को सारी दुनिया ने देखा है और आलोचना की है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नोटा एक सशक्त माध्यम है, उसके द्वारा भी जवाब दिया जा सकता है। आज भी कांग्रेस मैदान में नोटा का प्रचार प्रसार जारी है, पेपर लगाने की भी नहीं। देखिए, हमने पोलिंग एजेंट बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घिनौना षड्यंत्र है बोगस वोटिंग कराने का, इंडिया में टॉप पे जाने का, पर नोटा टॉप पे जाएगा। हमारे पोलिंग एजेंट बैठे हैं और दमदारी के साथ छाती खोल के आखिरी दम तक बैठे रहेंगे जब तक आखिरी पोल ना हो जाए। अभी ताई का बयान मैंने सुना है, मैं बड़ा निराश हुआ ताई के बयान से कि ताई एकमात्र ऐसी महिला है भारतीय जनता पार्टी में इंदौर में जो सोचती समझती है, लेकिन हाई कमान के दबाव में भाजपा गया है। उनका भी बयान आया है कि नकारात्मकता फैला रही है कांग्रेस और नकारात्मकता नहीं होना चाहिए। अरे, पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सकारात्मकता का पाठ तो पढ़ाई है ताई। ताई ने ये कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कर ही रहे हैं। आपको भी तो ज़रूरत है, आपके दल के लोगों को, नरेंद्र मोदी से लेके आप तक, आपको भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि लोकतंत्र को आप कहाँ ले जा रहे हैं। क्या इस लोकतंत्र का सही रास्ता यही है कि बाहुबलगिरी से हम उम्मीदवारों को इधर का उधर करते हैं? ये लोकतंत्र है? ये बाबा साहब ने संविधान आज के लिए लिखा था कि इस तरह का नकारात्मक वातावरण भाजपा पूरे देश में फैला है। देखिए, ईमानदारी का चुनाव तो 12 सीट कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ मैं। ईमानदारी का चुनाव शब्द वापर रहा हूँ, लोग बोलेंगे फिर मशीन पे आ गए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जब जादू से गायब कर दिया जा रहा है कांग्रेस का उम्मीदवारी, तो मशीनों के जादूगर तो ये लोग हैं।